संयुक्त राष्ट्र ने गजा में चल रहे युद्ध की गंभीरता को देखते हुए चार्टर के सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद 99 को किया लागू। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में केवल 9 बार ही हुआ इस अनुच्छेद का प्रयोग। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुलडॉग, पिटबुल जैसी नस्ल के कुत्तों को बताया खतरनाक। इस नस्ल के कुत्तों के लाइसेंस पर प्रतिबंध लगाने को लेकर केंद्र को दिया 3 माह का अल्टीमेटम। ज्ञानव्यापी परिसर मामले की नहीं सुलझ पा रही गुत्थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज ज्ञानव्यापी केस से जुड़ी 5 याचिकाओं पर होगी सुनवाई। अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी बनाने का काम जारी। सरयू नदी के गुप्तार घाट पर श्रीराम अनुभव केंद्र और पंचवटी द्वीप का किया जाएगा निर्माण। जनमानस को मिलेगी वैदिक सभ्यता की जानकारी। यूपी के मुख्य सचिव ने किया ऐलान, 3 बार से ज्यादा चालान होने पर अब चालक का लाइसेंस होगा रद्द। यूपी को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए मिले 3 अवार्ड। पर्यटन मंत्री बोले, यूपी एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस के तौर पर उभर रहा है। इंडिया पोस्ट ने विभिन्न पदों पर 1899 कैंडिडेट्स के लिए निकाली भर्ती। 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन पास तक उम्मीदवार 9 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। प्रदेश सरकार ने रातों रात 6 IAS और 15 IPS अधिकारियों का किया तबादला। विजय किरण आनंद को कुंभ मेला अधिकारी और कंचन वर्मा को स्कूल शिक्षा की मिली जिम्मेदारी। NTPC ने 11 असिस्टेंट माइन सर्वेयर के पदों पर निकाली भर्ती, उम्मीदवार 8 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। कुकरैल नदी के सौंदर्यीकरण को लेकर इंदिरा कैनाल से नए STP तक तलाशा जा रहा रास्ता। पानी की कमी को दूर करने के लिए नए STP लगाए जाने का रखा गया प्रस्ताव।